सो हे गाइस, ये है मेरा फर्स्ट वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर, और यहाँ पे आज मैं कवर करने वाला हूँ पोचिंकी को। तो अगर आप सोलो मैचेस खेलते हो या फिर दो मैचेस खेलते हो, तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। एंड मैं दोस्तों, मैं आपको पहले ही कन्फर्म कर देता हूँ कि आपका ये टाइम वेस्ट ना हो वीडियो को देखने के बाद। तो ये जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स खोजे हैं, ये मैंने खुद से खोजे हैं। तो मैंने बहुत सारे मैचेस खेले, आई गेस इसी मतलब कि सीज़न मैंने 1000 मैचेस खेले हैं, एंड लास्ट सीज़न मैंने 2000 मैचेस खेले थे सब मिला के, स्क्वाड सोलो डुओ। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ है, और मैं जब मरा हूँ या फिर जो मैंने मारा है टिप्स यूज़ करके, वो इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। एंड डेफिनेटली दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप एंड तक ज़रूर देखना। तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। तो दोस्तों, टिप नंबर 1 चालू होता है पोचिंकी का ही, यानी कि हम जितना भी कवर करेंगे पोचिंकी का ही करने वाले हैं। तो हमारा जो टिप नंबर 1 है वो है कैंपिंग। अब दोस्तों, सबको पता है कि गैराज में बहुत लोग गाड़ी लेने आता है, व्हीकल लेने आता है। तो अगर आप सोलो में हो, आप यहाँ पे आराम से कैंप कर सकते हो, और यहाँ पे बंदा जैसे ही आता है व्हीकल लेने के लिए, आप उसे आराम से मार सकते हो, सीधे ख़त्म कर सकते हो। ये तो डुओ था तो वो बंदा बच जाता है, बट अगर सोलो मैच होगा तो वो नहीं बचने वाला है। टिप नंबर 2 में आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे दो हाउसेस हैं जो हम सबको पता है कि इस तरह के हाउसेस, इसका नाम क्या मुझे वो तो नहीं पता है, बट बेसिकली ये ऐसे दो हाउसेस हैं पोचिंकी में। तो इन केस अगर इस घर के अंदर कोई बंदा कैंप कर रहा है, या फिर आपको पता है कि कहाँ पे करता है, तो आप जब भी पूछ होता तो वो बंदा हमेशा यहीं पर कैंप करता है, छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पे वो बस करना ही है कि उसे सरप्राइज़ अटैक करना है अगर आपको, तो आपको सीधे पुश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब पुश करोगे तो रिस्क होता है। अगर आप सोलो खेलोगे तो प्योर रिस्क होता है कि आप भी मर सकते हो। तो आपको बस एक स्मोक करना है, तो जब आप स्मोक करोगे तो बंदे को लगेगा कि वो बंदा सीधा पुश करेगा, बट आपको जल्दी से भागना है और दूसरे वाले सेम हाउस में आना है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो बालकोनी है, यहाँ से आपको जंप करना है और ट्राई करना है कि आप उसके एज में पहुँच पाओ। तो आप जैसे ही फास्ट दौड़ोगे तो आप एज पर पहुँच जाओगे, और आप इसे पीछे से सरप्राइज़ अटैक कर सकते हो बहुत ही आसान से। तो वो बंदा वहाँ पे टीपी ले रहा था कि पीछे से आएगा और डायरेक्ट पुश करेगा, बट ऐसा होता नहीं है। हम लोग टिप नंबर 3 में आते हैं। तो ये है हमारे पोचिंकी के सेंटर में। अब पोचिंकी के सेंटर में बहुत सारे हाउसेस, तो यहाँ पे जो सामने वाला हाउस है, इनके अगर इसके अंदर कोई बंदा छुपा हुआ है या कैंप कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल सोलो में खास करके, तो आपको बस करना ही है कि सबसे पहले आपको दूसरे घर में आना है। और यहाँ पे हम लोग को पता है कि हम लोग दो तरीका है यहाँ पे मारने का। एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे बगल से टीपी ले सकते हो, बोल सकते हो यहाँ से, या एम कर सकते हो मारने के लिए खिड़की से। बट अगर ये जो रेलिंग दिख रहा है, आप इस पर भी चल सकते हो, और चल के आप यहाँ पे आराम से वेट कर सकते हो, बंदा जैसे हिलेगा आप उसे यहाँ पे मार सकते हो। तो ये बहुत ही नॉर्मल तरीका है, बट बहुत आप गिर जाते हो नीचे में, तो आपको हल्का हल्का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ज़्यादा मूव नहीं होना है, आपको बस एक जगह खड़े रहना है कि बंदा आपको जैसे ही पीक दे या फिर एम दे, आप उसे फिनिश कर सकते हो। तो जब सोलो खेलोगे तो यार बहुत आसान हो जाएगा मारना, आपको खुद पता है सोलो में आप बहुत ही आसान तरीके से मार सकते हो। तो यहाँ मैं ऐसे डैमेज देता हूँ, बट ये हल्का सा बच जाता है, मुझे लगा कि मर जाएगा, बट मरता नहीं है भाई। तो जैसे ही हल्का हुआ देखता है तो मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ। तो अगर ये सोलो मैच होता तो ये आराम से मर जाता। तो मैं जितने भी बना रहा हूँ ये सोलो के बना रहा हूँ, और ये टिप्स और ये जो ट्रिक्स है ये मैंने अपने खुद के मैचिंग में यूज़ किया है। टिप नंबर 4 में आते दोस्तों, तो ये हम लोग का खास करके डुओ के लिए, या फिर सोलो में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो साइड में जो ट्रिपल स्टोरी के बगल में जो घर है, यहाँ पे आप कैंप कर सकते हो अपने टीममेट। अगर आपका फॉर एग्जांपल आप सोलो खेल रहे हो तो आप आराम से मार सकते हो सोलो से ही, बट अगर आपका फॉर एग्जांपल टीममेट आप डुओ खेल रहे हो और आपका बंदा नॉक हो जाता है, तो आप यहाँ से सरप्राइज अटैक कर सकते हो, दोनों पुश करेगा, तो उसे लगा कि आप वहीं पर हो बट आप होते हो किसी और घर में। तो टिप नंबर 5 आता है हम लोग का दोस्तों, बोल सकते हो आपका ट्रिपल स्टोरी को लेकर ही। तो दोस्तों, ट्रिपल स्टोरी में होता ही है कि बहुत बार बंदे कैंप करते हैं, सबको पता है ट्रिपल स्टोरी बहुत ही ख़तरनाक जगह है। तो कहाँ पे कैंप होता है वो सब हम लोग को भी पता है। तो ये जो जगह है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंपिंग होता है, हम सबको पता है। तो यहाँ पे कोई बंदा है, अब मुझे इसे मारना है, मैं क्या करूँ इसके लिए? तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, मुझे खाली स्मोक निकालना है, और एक तरह से मुझे बोल सकते कि वो मुझे पुश कर सकता है, बट वो अगर मुझे पुश नहीं कर रहा है तो आपको बस एक स्मोक कर देना है, एंड स्मोक करने का उसका खूब डायरेक्ट पुश कर देना है। तो उसे लगा कि मैं ऊपर चल जाऊँ, अगर वो ऊपर नहीं जाता तो उसे डायरेक्ट किल कर सकते हो। तो ये थे दोस्तों मैं कुछ 5 टिप्स, मैं जो खुद ओरिजिनली फाइंड किया हूँ, मैं किसी का कॉपी नहीं किया हूँ। तो आशा को ये पसंद आया होगा, एंड अगर आपको मेरा हार्डवर्क या फिर वर्क पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल में आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं धीरे धीरे अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, या कीप सपोर्टिंग। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।